ठीक है। एक बार तो जो मौलवी है इन्हों भी मैं सुन रहा देखो वो लाके देता है वो कह रहा है गणपति और ना दीवाना है बता देना यही तो गलती है जब वो उसको पकड़ मार ले बजा दे ये गाय का मांस है ये देखे चौथा बारी है तीन बारी इन्हों समझाया ये समझते नहीं है ये जबरदस्ती कर देगी ठीक है साढ़े नाल कल धक्का मुक्की होया मैं नमाज नहीं पढ़न गया मैं नमाज नहीं पढ़न जाते इन्होंने सारे ने कर देता मैं धक्का मार के बाहर मैं सुबह जाके गोल्डी पाजी को रोन लगा मंडी चे जे बाबू जी इधर इधर गल है ये लोग धक्का मार के निकाल दिया है ये लोग गाय का मांस इधर व्यापार कर दा आगे उन्होंने आंधा मोल भी 150 रुपए इन्होंने तो जाना इन्होंने 200 रुपए किलो आगे गाय बेचना जी इन्होंने पता ना टांडे का मोल भी है वो भी बंगाली है जो देखे जा रहा सर टांडे से जो मौलवी आता है उसका नाम क्या है उसका नाम अंसारुल मौलवी है अंसारुल है यही चक्कर से ना मकड़िया तो पजा देता जो टांडे से मौलवी आता है उसका नाम क्या है अंसारुल टांडे एक बारी ना उन्होंने फरके ना ना 10 बंदे ना इधर जिदा है प्लाट वाला सी सा बाबू उन्ने मिले उन्होंने समझाया उ लिखित भी है बाबू को टांडे असं पर्चा भी दे सकते तुम जो लिखा पर्ची है ना वो भी तुम ताडे को जमा करा सकते टांडे नु बाबू को पिया है जे भी उन्हें एक बार समझाया उ भी टांडे भी फरके वो मानते नहीं हटते नहीं जो लिखा पर तो कहा वो टांडे में है बाबू को लासी ले जाके दिखा सकते तनु जी हूं भी दिखा सकते बाबू को क्या लिखा उसमें उसमें लिखा है जो मैं आईंदा से कभी गलती नहीं करूंगा सर जी मैंने इस बार ले छोड़ दो माफी कर दो कौन सी गलती जे गाय बटने का जी सर आप जो मीट है कहाँ से लेते हैं देने आया था एक बंदा उन्हीं को पता होगा हमारे बंदे हैं नहीं गाय का मीट है ना हाँ उसी का खाते तो आप ही हो ना हाँ तो आपने मीट खरीदा है ना हाँ कहाँ से आया था मीट मीट कहाँ से आया ये नहीं पता लेकिन बंदा देने आया था कौन सा बंदा था उसका नाम क्या था पता नहीं वही कह सकता उसको नहीं आपको पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या था नाम नहीं पता लेकिन मौलाना था उनको उनको नाम उनसे पूछो ना वो बता देगा उसको बाद में पूछेंगे पहले तुम बताओ मेरे को नाम नहीं मालूम उनको मालूम होगा वो बता देगा नाम कितना मीट लिया था नहीं हमने तो 2 किलो लिया और किसी ने लिया बस यही 2 किलो 1 किलो करके लिया खाने के लिए फिर उससे मीट खरीदा मौलवी से हाँ खाने के लिए क्या नाम था क्या नाम था उसका उसका मेरे को नाम नहीं आपका नाम क्या है मेरा नाम सबरूल लिखा है तो कहाँ के रहने वाले बंगाल है बंगाल के बंगाल के तो यहाँ किसके जगह पे रह रहे हो ये किराया रह रहा हूँ बनियान वाले का किसका बनियान वाले पुराना सरपंच जी मीट किसका गाँव का मीट है 2 किलो लिया 10 किलो पकड़ा उधर भी अंदर भी जगह पकड़ा है 5 बंदे हैं यहाँ 5 परिवार है खाने के लिए कोई 2 किलो कोई 1 किलो ऐसे लिया अच्छा 5 परिवार है टोटल कितना है कोई किसी ने 1 किलो लिया किसी ने 2 टोटल कितना है टोटल अब हमें क्या पता कितना 5 परिवार में मान लो हाँ 6-7 किलो तो हो ही जाएगा जो है आपके सामने है अगर गाय का भी हो सकता है भैंस का भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है क्योंकि मैं बिना दिखा लिया हूँ इसी का हुई थे सर जी थे ना पुलिस आई थी DSP साहब आए थे बाकी दूसरी पुलिस साहब थे नहीं तो भोग रखे खंड पाठ रख रखे उतो देख के असं आए तो इतों मीट फड़ होया जी गाइया का होर आराम ला के बेच दे जी कि पिंड के बंदे है ये बनियाल का बंदा जी यदि पैच रेंदे है बनियाल का बंदा उन्होंने नाम है पिंडा ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲਾ ਗਏ ਮੀਟ ਹੋਣਾ ਜੀ 10-12 ਕਿਲੋ ਕਾਹਦਾ ਸਗਾ ਮੀਟ ਉਹਦਾ ਗਾਂਈ ਦਾ ਹੀ ਸਗਾ ਜੀ ਗਾਂਈ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਸੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਸੂਆ ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 70 ਗਊ ਸਿਲੈਕਟਰ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ
व्यक्ति जिहड़ा अपने बनियाल का रहने वाले आ, पर इस वेले इत्थे नहीं है, इस वेले कनेडा च रह रहे आ, बाहर विदेश रह रहे आ, पर उहदा जिहड़ा ब्रदर आ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।